नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट का रुख करते हैं। लादूलाल पितलिया ने कर्नाटक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कर्नाटक में अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने के आरोप लगाए हैं। परिवार को भी इस दौरान कर्नाटक में परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। सहाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं लादूलाल पितलिया और बीजेपी से बागी होकर पितलिया ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा। एक महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे पितलिया, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। अब जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्नाटक सरकार और राजस्थान सरकार से की जा रही पूरे प्रकरण की शिकायत। तो किस तरीके से राजनीति एक अलग रंग लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर है बीजेपी यहां ये चाह रही होगी कि लादूलाल पितलिया न सिर्फ अपना नामांकन वापस ले ले, बल्कि एक महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की तो अब सहाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल जाट को जिताने की पुरजोर कोशिश करें, लेकिन उन्होंने दो पर्चे दाखिल किए, एक बीजेपी के नाम से और दूसरा निर्दलीय। बीजेपी के नाम से जो पर्चा दाखिल किया वो खारिज हो गया। निर्दलीय के तौर पर अभी भी वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अब उनको उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो उनके प्रतिष्ठान है, जो उनका व्यापार है, उस पर पुलिस दबाव बना रही है, उनको बंद किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लादूलाल पितलिया की तरफ से लगाए गए। मेरी सेवी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, सहाड़ा की राजनीति को एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में अगर परेशान किया जा रहा है तो आरोप फिर बीजेपी पर ही लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसको ये समझ लेते हैं विजेंद्र की कितने महत्वपूर्ण हैं ये तीनों उपचुनाव, चाहे फिर वो कांग्रेस हो और भाजपा के लिए। अब हम इनकी बात करें लादूराम पितलिया की, देखिए ये सबसे पहले चुनाव लड़े थे निर्दलीय और करीब 30,000 वोट इन्होंने जीते थे जी। उसके बाद ये एक महीने पहले भाजपा में शामिल हुए, लेकिन शायद ये इस उम्मीद से शामिल हुए थे या इनका इनके और इनके जुड़े हुए लोगों का मानना है कि इनको इसलिए शामिल किया गया था कि उनको इस बात का विश्वास दिलाया था कि आपको चुनाव लड़वाएंगे। और देखिए जिस हिसाब से ये निर्दलीय लड़े एक बार फिर, तो उससे इनके और इनके जुड़े लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हुई और इसमें कई लोगों का नाम आया है, और जिसमें एक एमएलसी है जो कि राजसमंद से भी संबंध रखते हैं, जो एमएलसी कर्नाटक में है, उनका भी इसमें नाम सामने आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। और उनकी ये जो प्रत्याशी है, इन्होंने कर्नाटक सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से अपील की है, और अपील में ये भी कहा है, ये सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मेयर को परेशान किया जा रहा है, उनको शायद और भी तरह की शिकायतें की है। उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटक की पुलिस है, उन्होंने मेरे सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है बैंगलोर में उसको बंद कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं, यहाँ तक कि जो उनके भाई हैं वो जो काम संभालते हैं, उनके पूरे परिवार वाले हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण की उन्होंने शिकायत कर्नाटक सरकार को, राजस्थान सरकार को भी दी गई है। लेकिन अगर पुलिस परेशान कर रही है, प्रतिष्ठान पे तमाम चीजें हो रही है, तो पॉलिटिकल नजर में उसी तरीके से देखा जाएगा कि ये चुनावी मामला है। ये निर्दलीय खड़े हो गए भाजपा में शामिल होने के बावजूद भी, उसके बाद ये तमाम क्यू से उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि जो ये भाजपा से बागी पातल जो पितलिया है, इन्होंने निर्दलीय अभी नामांकन भरा है और उसी के बाद से पूरा प्रकरण शुरू हुआ है। और देखिए सहाड़ा बेहद महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये तीनों ही सीटें भाजपा के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में जो उठापटक राजस्थान में देखी गई है पॉलिटिकली, तो ये तीनों उपचुनाव सात का सवाल है, चाहे फिर वो राजस्थान सरकार के लिए हो और इंडिविजुअली अशोक गहलोत के लिए हो, अजय माकन के लिए हो और राहुल गांधी के लिए हो। ठीक उसी तरह ये जो तीन सीटें हैं, ये सतीश पूनिया के लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए और दिल्ली में बैठे आलाकमान, तीन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। और उसमें जब इस तरह का प्रकरण सामने आए, हालांकि हम और इसमें खुलासा करेंगे कि क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या इसका मामला है, और जांच पड़ताल के साथ पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे विजेंद्र, लेकिन फिलहाल ये पुख्ता खबर सामने आ रही है कि जो लादूलाल है। दीदी, इस दौरान क्या इंटरनल सोर्स से कोई जानकारी मिल पा रही है कि लादूलाल पितलिया का वर्जन क्या है? क्या वो इन तमाम मुश्किलों के बावजूद निर्दलीय ताल ठोकते रहेंगे या फिर वो विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एकदम खास सूत्र से ये खबर आई है, और उनके एकदम जो लादूलाल का ये मानना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा
और आखिर दम तक लड़ूंगा, पर जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से मेरे को दूसरे तरीके से परेशान किया जा रहा है कि मेरे व्यवसायों को, प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है, मेरे भाई को, मेरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कर्नाटक सरकार तक को भी अप्रोच किया है, यहाँ तक कि राजस्थान सरकार को भी अप्रोच किया है, ऐसे में ये फिलहाल उनका दृढ़ निश्चय है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ना लड़ने और अपना नामांकन वापस देने के लिए ही उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।